तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा नाम है आशीष, सो आप देख रहे हैं आल एडिटर आशीष 67। तो फ्रेंड्स, सर आज की एडिटिंग हम करने वाले कुछ इस टाइप के, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एडिटिंग हमने करी है। तो गाइस, आपको भी हम बताएंगे ये एडिटिंग हमने करी कैसे। तो फ्रेंड्स, सर आपको करना क्या होगा, आपको इस पोज में फोटो शूट करा लेना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पोज है, तो आप इस पोज में फोटो शूट करा लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर रखा है, एंड हेयर्स वगैरह सब कुछ पहले से ही बना रखा है, स्मूथ वगैरह सब कुछ पहले से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी करना कैसे स्मूथ करते हैं, हेयर्स बनाते हैं, तो आई बटन पर जाइएगा, तीनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा, तो आप भी वो काम कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने इस वजह से नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती, ठीक है, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं आपको बनाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कि बैकग्राउंड पीएनजी जो कुछ भी यूज़ करूँगा ना मैं, सारी की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो स्टार्ट करने में मैं आपसे एक जरा सी छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका टाइम बस नहीं करते हम। तो सबसे पहले आपको पिकआर्ट ऑन कर लेना होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा पिकआर्ट ऑन हो चुका है, बैकग्राउंड एंड पीएनजी कुछ भी यूज़ करूँगा, तो यहाँ से जाइएगा, अपना मॉडल ले आइएगा, ठीक है। और मॉडल ले आने के बाद आपको नीचे ऐसे कुछ एडजस्ट करना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना गाइस, आपको कुछ ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा और ऐसे छोटा कर लेता हूँ अपने मॉडल को, ठीक है। तो जैसे कि हो चुका, तो यहाँ से कर लेते हैं इसे डन, ठीक है। और डन करने के बाद ऐड फोटो पे जाइएगा, और ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको इसी बैकग्राउंड को फिर से ले लेना होगा, ठीक है, जो हमने ओपन किया है, ठीक है। तो मैं इसे ले लेता हूँ, और इसे आपको क्रॉप कर लीजिएगा ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे आपको क्रॉप कर लेना होगा। और जाने यहाँ से जाइएगा ब्लेंड पर, और इसे कर दीजिएगा स्किन, ठीक है। और स्किन करने के बाद गाइस, आपको कुछ ऐसे करना होगा, जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ ना, आपको कुछ ऐसे ही करना होगा गाइस, ठीक है। और यहाँ से इफेक्ट पे जाइएगा, और इसे कर लीजिएगा ब्लर, ठीक है। और ब्लर करने के बाद कर दीजिएगा डन, और डन करने के बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से रीजर पे जाइएगा, और जो आपके ये क्या बोलते हैं, मतलब कि आपके जो पीएनजी पे पार्ट आ रहा, तो आप इसे इरेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट मैं इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा चेहरा पर भी है, वो भी इरेज कर लेता हूँ मैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ भी कर लीजिएगा, जो बैकग्राउंड पे आ रहा हल्का हल्का सा, तो आप इसे भी इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे कर लेते हैं डन, ठीक है। और डन करने के बाद गाइस, एक पीएनजी मिलेगी आपको, तो वो पीएनजी भी आपको ले आनी होगी, ठीक है। तो जैसे कि ये पीएनजी ये रही, तो यहाँ से जाएंगे ब्लेंड पर, और उसे भी कर देंगे स्क्रीन, ठीक है। और स्क्रीन करने के बाद गाइस, आपको नीचे ऐसे एडजस्ट कर देना हो, तो यहाँ जैसे कि मैंने कर दिया, ठीक है, तो आपको भी नीचे कुछ ऐसे एडजस्ट कर देना होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से भी इसे कर लेते हैं डन, ठीक है। और डन करने के बाद गाइस, आप फिर आप जाइएगा ऐड फोटो पे, और एक पीएनजी आपको मैं दूंगा। फ्री फ्रेंड बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, तो यहाँ से ऐड फोटो पे जाइएगा, ठीक है। और ऐड फोटो पे जाने के बाद एक पीएनजी मिलेगी आपको, वो पीएनजी भी ले आइएगा, ठीक है। तो पीएनजी मैं ले आता हूँ, तो जैसे कि वो पीएनजी ये रही, ठीक है। तो यहाँ से जाइएगा, और इसे भी कर दीजिएगा स्क्रीन, ठीक है। और स्क्रीन करने के बाद गाइस, आपको जो मतलब कि ये लाइट आ रही ना, छोटी सी लाइट, तो आपको ऐसे मतलब लगा देना होगा, ताकि हमारे चेहरे में जो लाइट ये आ रही ना, तो पड़ना चाहिए हल्की हल्की से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये लगा दिया है, और इसकी मतलब कि आप ओपेसिटी को कम कर दीजिएगा हल्की से, ठीक है। तो यही आप 70 के पास पास रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक डुप्लीकेट बना लीजिएगा, यहाँ से इस पर टच कीजिएगा, तो एक डुप्लीकेट निकाल लीजिएगा इसकी, ठीक है। तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ, एंड गाइस नीचे जो लाइट आ रही है, तो वहाँ हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। तो मैंने जैसे कि एडजस्ट कर दिया, तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो यहाँ से इसे भी कर लेते हैं डन, ठीक है। तो देन गाइस, आपका आप करना क्या होगा, आपको जाना होगा ड्रॉ टूल पर, और इस फोटो को कर लेना होगा सेव इमेज, ठीक है। और यहाँ से हम चलते हैं लाइट रूम पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं लाइट रूम में आ चुका हूँ, और मैंने अपनी फ़ोटो को भी ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा लाइट वाले ऑप्शन पे, और इसकी हाईलाइट आपको कम कर देनी होगी, ठीक है। और यहाँ से इसको वाइट भी कम कर देना होगा, और ब्लैक को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं अगले टूल्स पर, और अगले टूल्स पर हम आपको बताते हैं, जो 3 नंबर का टूल वो मिलता है कलर, तो आपको इसको बढ़ा दीजिएगा, और इसकी सैचुरेशन आप कम कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, आपको कुछ ऐसे ही करना होगा, ठीक है। और यहाँ से चले जाइएगा मिक्स टूल पर, ठीक है। और मिक्स टूल पे जाने के बाद आपको इसकी सैचुरेशन कम कर देनी होगी कुछ इतनी, ठीक है। और अगले कलर पे जाइएगा, और इसकी सैचुरेशन आप कम कर दीजिएगा, ठीक है। और इसकी लूमियंस को हाई कर दीजिएगा फेस वाइट करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसे 60 के आसपास रखता हूँ, फिर भी आप जितना आपको चाहिए वाइट आप उतना रख सकते हैं, ठीक है। तो अगले कलर पर चलेंगे, देन गाइस इसकी सैचुरेशन हम कम कर देंगे एकदम, ठीक है। और इसकी लूमियंस, इसकी हु को हम बढ़ा देंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने बढ़ा दिया, ठीक है।
और अगले कलर पे चलेंगे तो इसकी सैचुरेशन हम कम कर देंगे एंड इसकी हु को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और अगले कलर पे चलेंगे तो इसकी हम देख लेंगे सैचुरेशन कितनी चाहिए हमें, तो इसकी सैचुरेशन हम कम ही करेंगे गाइस, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपको कुछ ऐसे ही करना होगा, और हु को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और इसकी अगली टूल्स पर जाएंगे तो इसकी भी सैचुरेशन हम कम कर देंगे, ठीक है। थोड़ा ज़रा सी कीजिएगा गाइस, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है। और हु को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा एंड देन गाइस अगले कलर पर जाइएगा तो इसकी हु को बढ़ा दीजिएगा एंड सैचुरेशन को आप कम कर दीजिएगा, ठीक है। और अगले कलर पर चलेंगे तो इसकी सैचुरेशन कम करेंगे, ठीक है। और आप इसकी हु को बढ़ा दीजिएगा, नहीं गाइस आप कम कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से कर लीजिएगा डन एंड गाइस अगले टूल्स पर जाइएगा और इसकी क्लियरिटी बढ़ाइएगा, डेज बढ़ाइएगा और ग्रीन टेन को आप कम कर दीजिएगा, वो भी अपने फ़ोटो को फोकस देने के लिए, ठीक है। और नीचे जाइएगा ग्रीन अमाउंट पे जाइएगा और इसके साइज को आप एकदम जीरो माइनस कर दीजिएगा। और यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से जाना अगले टूल्स पे एंड इसकी शार्पनिंग डाल दीजिएगा और यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन डाल दीजिएगा, ठीक है गाइस। और यहाँ से कलर नॉइज़ रिडक्शन भी डाल दीजिएगा, ठीक है। और डिटेल्स को एकदम हाई कर दीजिएगा, दोनों डिटेल्स को हाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो फैन सर बहुत ही बढ़िया एडिटिंग हमारी अभी तक हो चुकी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितनी ओसम एडिटिंग हमारी हो चुकी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। मतलब कि गाइस हम पिकार्ड से आए थे तो हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की, ठीक है। तो हमने लाइट रूम में आकर कुछ इस टाइप का फ़ोटो बनाया है, तो आप ये देख ही सकते हो बहुत ही बढ़िया एडिटिंग करी है हमने, ठीक है। तो आप भी करिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि अगर मेरी वीडियो से आपको सीखने को मिला तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।